भोपाल में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लाल परेड ग्राउंड से बसों में भरकर अलग अलग केंद्रों के लिए मतदान कर्मचारियों को रवाना किया जा रहा है। मतदान दल को वोटिंग सामग्री देकर पोलिंग बूथों के लिए बसों से रवाना किया जा रहा है, इसीलिए शनिवार सुबह से ही रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। 12 मई को मतदान के दौरान भी रूट डायवर्ट रहेगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि किसी भी कर्मचारी का गर्मी में स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए मेडिसिन किट और ग्लूकोज के पैकेट भी रखे गए हैं। इस बार भोपाल में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे गर्मी में मतदान के दौरान किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो तो उसे जल्दी इलाज दिया जा सके। आज मतदान की पूर्व दिवस है और आज सभी पोलिंग पार्टी सामग्री सहित यहाँ से रवाना होगी। वितरण का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है, इसके बाद इनका छोटा प्रशिक्षण भी इनको दिया जाएगा। इसके बाद पोलिंग पार्टीज अपने मतदान केंद्र में जाएगी, पूरी व्यवस्था देखेगी और हमारी भी टीम उसके बाद पूरी ओके रिपोर्ट लेके हमको अवगत कराएगी। इसके साथ कल सुबह हमारे 6 बजे से मॉक पोल शुरू होगा और 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो शाम को 6 बजे तक चलेगी। पूरी पोल प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल करने के लिए सभी समस्त उपाय लिए गए हैं और इसके साथ साथ मतदान केंद्रों की सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। सभी प्रकार के मतदान केंद्रों में आवश्यक बेसिक सुविधाएं मतदाताओं के लिए भी और हमारे पोलिंग पार्टीज की जा चुकी है और विशेष इस बार कई मतदान केंद्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका सीधा प्रसारण हम देख सकते हैं। CCTV लगाई है, वेबकास्टिंग करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी करवाई है, साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर हमने लगा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनके ऊपर हमने CAPF और नॉन CAPF का फोर्स भी लगाया है ताकि सभी पूरा मतदान सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तीसरे चरण के मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बसों में GPS सिस्टम लगाया गया है, सुरक्षा बल अलर्ट हैं और जिलों की सीमा सील कर दी गई है। भोपाल जिले में 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल यूनिट के अलावा 200 पुलिस सेक्टर मोबाइल भी बनाई गई है। एक पुलिस मोबाइल 10-12 मतदान केंद्रों पर लगातार दौरे कर निगरानी करेगी। भोपाल लोकसभा सीट के लिए 9000 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। DIG इरशाद वली ने इसकी जानकारी दी। सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने सारे पोलिंग स्टेशन पे यूनिफॉर्म पर्सनल लगाए हैं, जो जिला बल के हैं, कांस्टेबल साइज कांस्टेबल, इसके अतिरिक्त SPOs हैं वहाँ पे, पैरामिलिट्री है, सशस्त्र जो SF है वो है वहाँ पे, होमगार्ड्स हैं और लगातार जो है QRTs हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, हमारे टिकट्स भी रहेंगे अलग अलग जगहों पे, तो व्यवस्था जो है चाक चौबस है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।